आज की इस वीडियो के अंदर हम कैलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे HTML लैंग्वेज के ज़रिए, ठीक है, और CSS के ज़रिए। तो बेसिकली हम जो है टेबल टैग के थ्रू ये सारा काम करेंगे। कुछ इस तरीके का जो है हम टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ही बेसिक कोडिंग की हुई है, ठीक है। HTML ओपन किया हुआ, HTML क्लोज़ हैड खुलता है, उसके नीचे टाइटल है, ठीक है, फिर हेड क्लोज़ है, बॉडी है, और यहाँ पर बॉडी क्लोज़ है। मैं टाइटल के अंदर लिख लेता हूँ कैलेंडर 2019, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बॉडी के अंदर हमें डिव्स बनानी है, ठीक है। डिव्स माने डिवीजन यानी हिस्से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिव बनाते हैं। इस डिव को आईडी देते हैं कंटेनर, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे एक और डिव बनाएंगे, DIV डिव, ठीक है। उसके बाद इंटर करके यहाँ पर डिव जो है वो क्लोज़ करेंगे। इस डिव को हम आईडी नहीं, इसको हम क्लास देंगे, क्लास इक्वल्स टू बॉक्स, ठीक है। अब इसको हम जो है सेव करा लेते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, कैलेंडर 2019.html, ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे देखा। अभी सिर्फ हमने टाइटल दिया, वो टाइटल आ गया, इसका मतलब है काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब थोड़ी सी हम जो है पहले CSS करते हैं, इंटरनल CSS करते हैं। स्टाइल का टैग खोलेंगे, ठीक है, और स्टाइल का टैग जो है वो क्लोज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले हम बॉडी को जो है टारगेटेड बनाते हैं, और मार्जिन इक्वल्स टू 0 पिक्सल्स, टर्मिनेट पैडिंग इक्वल्स टू 0 पिक्सल्स टर्मिनेट, ठीक है। उसके बाद आईडी को हम कैसे कॉल करते हैं, हैश से, तो हैश कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की जो विड्थ है वो हो जाए 100%, टर्मिनेट, और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हो जाए अप्रोक्सीमेटली 1500 पिक्सल्स, ठीक है, टर्मिनेट। और उसके बाद इसका बॉर्डर जो है वो हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड रेड टर्मिनेट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखें हमारे पास जो है बॉर्डर आ गया कंटेनर का, इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे। अब ये जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर हम हेडिंग डालते हैं H1, ठीक है, H1 के अंदर हम लिखते हैं कैलेंडर 2019, और H1 को हम क्लोज़ करते हैं, तो देखें क्या होगा। ये कंटेनर से बाहर है, ये कंटेनर के ऊपर है। ये कंटेनर के ऊपर इसलिए क्योंकि ये जो कंटेनर है ना, इसकी डिव, इसको हमें कट करके इसके ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है ना। ऐसे ये डिव है, आईडी कंटेनर है, इसके अंदर होना चाहिए जितना भी अब हम काम करेंगे। ये मेन कंटेनर है, इसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। अब देखें ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और ये जो कंटेनर की डिव है, ये कंटेनर की डिव सबसे एंड में बंद होगी या बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसी के अंदर हमें सारा काम करना है। इस डिवीजन के अंदर हम मज़ीद डिवीजन्स डिव्स बनाते रहेंगे, ठीक है। इसका मैं सी बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इस बॉक्स के डिव के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम टेबल का टैग ओपन करेंगे, और टेबल का टैग जो है वो क्लोज़ करेंगे। टेबल के अंदर हम खोलेंगे TD, ठीक है, और TD को करेंगे क्लोज़। उसके बाद यहाँ लिख देंगे जनवरी, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ऊपर TD ओपन किया जनवरी, ठीक है, जनवरी को यहाँ इंटर कर दिया नीचे, और यहाँ पर ये TD क्लोज़, ठीक है। एक रॉ लेंगे, उसके लिए हम TR जो है वो ओपन करेंगे टैग, और TR को जो है वो क्लोज़ करेंगे। उसके बाद TR के अंदर आपको पता है TH ओपन होता है और TH क्लोज़ होता है, ठीक है। TH के बीच में हम लिखेंगे MON मंडे, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अभी ये तो आ गया हमारा डाटा, लेकिन इस पर बॉर्डर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने टेबल के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया। अब टेबल के अंदर हम एट्रीब्यूट लगाते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखें बॉर्डर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 3,
ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, देखें सेल्स में स्पेस आ गया। उसके बाद सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10, ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब ये जो मंडे लिखा हुआ है इसको सेंटर में कर लेते हैं, ALIGN अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, ठीक है, और इसका BG कलर भी दे देते हैं, BG कलर इक्वल्स टू LIGHT लाइट ग्रे, ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। उसके बाद इस पूरी TH को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। ये मंडे हमने बना लिया था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब इनके नाम चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। उसके बाद एक और हमें TR चाहिए, ठीक है, तो हम एक और TR ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। इस TR के अंदर हम TH नहीं खोलेंगे, TH होती है हेडिंग जो आती है बोल्ड में, हम TD खोलेंगे, टेबल डाटा, ठीक है, ताकि वो विदाउट बोल्ड आए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, आप देखें यहाँ पर 1 आ गया। यही सारी फॉर्मेटिंग जो है हमें इस पर भी करना है, तो हम यहाँ से कॉपी करके इस TD के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेज होते हैं ना 1 वीक के अंदर, तो इसलिए अब यहाँ पर इसको 2 कर देंगे, 3, 4, 5, 6 और 7, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब अगेन हमें एक TR चाहिए, तो हम ये जो पूरी TR है हमारे पास इसको पूरी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और नीचे एंटर प्रेस करके इसको पेस्ट करेंगे। और इसका मैं जल्दी से ना वीडियो को पॉज करके और TR में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए 7 हो चुकी हैं, 7 ये और मिलाएंगे तो 14 हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद मैं और इसको पेस्ट कर लेता हूँ, 4 बार तकरीबन हमें इसको पेस्ट करना है। उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करके इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ। यहाँ 28 तक मैंने नंबरिंग कर ली, हमें मजीद जो है 29, 30 और 31 भी बनानी है, तो मैं इस TR को अगेन कॉपी करता हूँ और उसके बाद नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही हैं हम उसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 29, यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 31, ठीक है। तो कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, आप देखें एक टेबल हमारा जो है वो तैयार हो गया है, जनवरी का एक कैलेंडर का हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम जो है इसके बॉक्स की थोड़ी सी जो है वो इंटरनल CSS कर लेते हैं। अब क्लास को कॉल करने का तरीका क्या है, डॉट बॉक्स, ठीक है, और इसकी विड WIDTH विड इक्वल्स टू 30%, टर्मिनेट, हाइट इसकी होगी इक्वल्स टू ऑटो टर्मिनेट। ये जो है हमें एरिया कवर करना है, मर्ज करना है, इसे कॉलम स्पैन कहते हैं, शॉर्ट में कॉल स्पैन कहते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉलम्स हैं, हमें इसे कॉलम स्पैन करना है। तो हम यहाँ पर जहाँ पर जनवरी लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ TD के अंदर, इस TD के अंदर हम जो है लिखते हैं कॉल स्पैन इक्वल्स टू 7, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, आप देखें ये मर्ज हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन लाइन CSS करेंगे, ठीक है, STYLE स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास टैक्स माइनस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर टर्मिनेट कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल्स टू येलो टर्मिनेट कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। उसके बाद फॉन्ट माइनस वेट इक्वल्स टू बोल्ड टर्मिनेट कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, और फाइनली फॉन्ट माइनस साइज इक्वल्स टू 20 PT टर्मिनेट कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। ये फाइनली हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट आ गया। मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 80% इसका जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना इस पर एक गैप आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बॉक्स के अंदर जाएंगे और margin मार्जिन माइनस लेफ्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 10
पिक्सेल्स करके देख लेते हैं पहले, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना है क्या है, ये हमने फाइनल जो है ये अपना एक फॉर्मेट तैयार कर लिया जनवरी का, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर फरवरी, यहाँ पर मार्च और दूसरा चाहिए। अब सिंपल हमें जो है कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ से फॉन्ट साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये पूरी डिव, ठीक है, ये जो जनवरी की है ये इस पूरी कोडिंग को हमें सिलेक्ट करना है, हमें कॉपी करना है, ठीक है, इंटर करना है, ठीक है। ये हो गया फरवरी का, इंटर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फाइनली दिसंबर। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5। आप देखें ये सब आ तो चुके हैं लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ रहे, ठीक है, इसके हमारे बराबर में नहीं आ रहे राइट साइड पे, क्योंकि हमें इसको फ्लोट करना है। ये जो हमने क्लास बनाई थी बॉक्स की, ठीक है ना, अब मैं साइज़ को जो है इनक्रीज़ कर लेता हूँ। ये हमने बॉक्स की जो क्लास बनाई थी, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फ्लोट की कमांड लगानी है, फ्लोट इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है, और टर्मिनेट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब हमारे पास क्या मसला आ रहा है, हमें यहाँ पर गैप चाहिए, ये बिल्कुल इसके साथ चिपक गया है, ठीक है ना। तो हम इसको मार्जिन देंगे बॉटम से, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मार्जिन माइनस यहाँ पर कर देता हूँ बॉटम, BOTTOM बॉटम, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये H1 है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये H1 के अंदर नेस्टेड है, तो हम यहाँ पर H1 को कॉल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फॉन्ट माइनस साइज इक्वल्स टू 20 पिक्सल्स टर्मिनेट, और टेक्स्ट माइनस अलाइन इक्वल्स टू सेंटर टर्मिनेट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। मज़ीद आप इसकी और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अगर आप इसको बैकग्राउंड देना चाहें तो बैकग्राउंड इक्वल्स टू AQUA टर्मिनेट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है, इसका बैकग्राउंड आ गया। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 2 pixels सॉलिड रेड टर्मिनेट, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। तो तकरीबन हमारा जो है कैलेंडर जो है वो तैयार हो गया है, लेकिन आप देखें यहाँ गैप ज़्यादा और यहाँ पर कम है, तो हम ये मार्जिन माइनस जो लेफ़्ट था इसको हम कर देंगे 20, कंट्रोल एस अल्ट टैब F5, ठीक है। अभी भी कम है, इसको 30 कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये थोड़ा तकरीबन सही लग रहा है, तो फाइनली हमारा कैलेंडर जो है वो तैयार हो चुका है।